इसलिए आप जिसको कर रहे थे मैं भी आपके साथ कर रहा था। तब वर्षों में भी मैं राजयोग दीक्षाएं दूंगा नहीं,
ऐसे ही नहीं हर बार ही दीक्षा दे देंगे, ऐसी दीक्षा है नहीं, इससे संबंधित कोई किताब नहीं है। और अगर मैं बिल्कुल दो टुक साफ बोल रहा हूं तो राजयोग दीक्षा देने में समर्थ कोई व्यक्तित्व भी नहीं है, जो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता। पर राजयोग दीक्षा क्या, किस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है, और पूरे ब्रह्मा से लगा के आज तक जितने ऋषि परंपरा, उन सबको आपके सिर में समाहित करके एक सामान्य मनुष्य को महापुरुष कैसे बनाया जाता है, वो राजयोग दीक्षा कही जाती है, वो सामान्य बात। उसके बाद मृत्यु तुम्हारे सामने आपकी खड़ी नहीं हो सकती, उन्हें हिम्मत नहीं होती तुम्हारे आंख से आंख मिला सके जो राजयोग दीक्षा लिए हुए होता है। बुढ़ापा उसके सामने आपके खड़ा नहीं हो सकता, तकलीफ बाधाएं कष्ट उनके आंख के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और जिस फील्ड में भी है उस फील्ड में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है, तब आप सही शिष्य हैं, तब मैं सही गुरु हूं, ये गाली। पिछले साल नया साल मैं सिंगापुर में था, पिछले साल सिंगापुर में था, इस नए साल में इस साल बाद में तुम्हारे सामने हूं। और क्यों विचार आया कि राजयोग दीक्षा दी जाए, मैंने तो 50 साल में तो सोचा नहीं, तो मगर ये आप लोगों का प्यार है या आप लोगों का अटैचमेंट है कि इतना अटैचमेंट कि मैं तो कई बार गर्व से सीना फुला करके कहता हूं कि सैकड़ों गुरु होंगे, हजारों गुरु होंगे, मुझसे अच्छे ऊंचे गुरु होंगे संबोध हो रहे नहीं, और उनके लाखों शिष्य होंगे, और मेरे जैसे शिष्य और किसी गुरु के पास मिलेगा नहीं। शिष्य है कि मैं उनको एक इशारा कहता हूँ कि मैं गर्मी काट के ले देनी हूँ, सोचता नहीं क्यों, तुरंत गर्मी काट के ले देता है, अतिथि रख लीजिए गुरु जी, ये शिष्य है मेरे सामने, इसलिए मुझे अपने आप पर गर्व है, आप लोगों पर गर्व है, आपकी वजह से मैं गर्वभंग बन चुकी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। फिर उनका भोजन बनना चाहिए तो भोजन भी अपने पत्ते का में छाप दिया, एक भाई देख लो, फिर मामूली है दाल पूरी खा करके क्या राजयोग दीक्षा लेने लेंगे, आज मैं वापस तैयार करके भेजता हूँ, लिस्ट बिल्कुल तैयार सामने रखते हैं ना कि टिक किए हुए हैं, बस ये आज बनाने कल का टिक अलग है, जाने ये हम आते नहीं, आते नहीं तो पीएल का टिकट ये ट्रेन पता रहा, मैंने आपसे सिद्ध कर रखी अभी आ रही है। मीनू इसलिए था, आप सोच रहे गुरु जी ने मीनू क्यों छापा है, मीनू इसलिए छापा था कि राज दीक्षा लेने के बाद फिर ऑर्डिनरी खाना खाना ही नहीं, कभी कभी खाना खाना डट के कम से कम 3 घंटे तक खाने पर बैठ के खाना नहीं उधर हो। और तुम्हारे मेरे प्राणों की धड़कनों में डिफरेंस नहीं हो, एक हो जाए, एक ही धड़कन हो तुम्हारे मेरे, शरीर अलग अलग हो तुम्हारे मेरे शरीर अलग अलग हैं, धड़कने दो नहीं हो सकती, गुरु और शिष्य की धड़कनों में डिफरेंस नहीं हो सकता। और इसीलिए आप सब लोगों को मैं यहां पर देख रखे अत्यंत हर्षित हूं, आह्लादित हूं, बहुत ही मन में मुझे एक प्रसन्नता है कि नया साल हम साथ बिता रहे हैं, नए साल का प्रत्येक क्षण हम साथ बिता रहे हैं। अब मैं इसके बाद में एक भजन सुनेंगे अपन, और भजन सुनने के बाद में यह राजयोग दीक्षा से पहले और भी कुछ दीक्षाएं होती हैं, राजयोग दीक्षा तो मेन है और दीक्षाएं अनिवार्य नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, अनिवार्य तो आज से कुछ नहीं है, मगर जो कुछ प्राप्त कर लिया जाता है वो कर लिया जाता है, जो कुछ लेना होता है वो ले लिया जाता है, जो कुछ करना है वो कर लेना है, क्योंकि ये दिन अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो राजयोग दीक्षा बहुत सोच समझ करके रखी थी आज के दिन, इसलिए रखी थी कि नया साल तो है ही, नया साल के साथ साथ ज्योतिष की दृष्टि से भी करीब 120 वर्षों के बाद में इस प्रकार के ग्रह संयोग बने हैं जो आज के दिन के कल 3 बजे तक ग्रह संयोग हैं, वो 123 वर्षों तक वापस नहीं आ सकते, ऐसे ग्रह संयोग हैं। शुक्रो पंथ गुरु सदैव सूर्योश्चंद्र बुधमेव रूपम सदैव एकत्र भवेत् पुण्यम
अद्वितीय दिवसे भवतां तदैव, ये सारे ग्रह एक नक्षत्र वेद में आते हैं। अद्वितीय दिवस, अद्वितीय का मतलब है इस प्रकार का दिवस इस पीढ़ी में वापस नहीं आ सकता। 123 वर्ष बाद आएगा तो ये पीढ़ी नहीं होगी, फिर और कोई पीढ़ी होगी। एक पीढ़ी में तो एक बार ही ऐसा आ सकता है। इसी राजयोग दीक्षा के लिए मुझे मुहूर्त देखना, समय देखना बहुत आवश्यक था। इसलिए श्रेष्ठ मुहूर्त में इस राजयोग दीक्षा को भी सही समय पर आपको दूंगा, जब सारे नक्षत्र एक वेद में होंगे और आप स्वयं उसके बाद अपने आप को जांचें, परखें, टेस्ट करें, देखें, चेंज महसूस करेंगे अपने आप में, आनंद, उल्लास, उमंग। और अगर यही नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ भी क्या है, फिर तो जीवन धो रहे हैं, चल रहे हैं। आज नया साल हम साथ में हैं तो प्रत्येक मोमेंट हम साथ में, प्रत्येक क्षण हम साथ में होंगे, हम जीवन का प्रत्येक आस्पेक्ट हम साथ में रखना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। नौ और छह बिल्कुल उल्टे, नौ इधर है तो छह उधर, हम बिल्कुल सीधे रहना चाहेंगे, बिल्कुल नौ छिन्नों की तरह नहीं, बिल्कुल सीधे जुड़े हुए अपने आप में एकाकार, प्राणों की तरह, धड़कनों की तरह। मैं तो आपको शुरू में शेर सुना दिया कि आप फूलों की बात करें, मैं तो आपके धड़कनों के ऊपर पांव रखता हुआ आया हूँ, धड़कने तो मेरी ही है, मेरे पांवों के नीचे है, अब आपका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि आप मेरे हैं। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि आज की रात माता जी भी आपको एक घंटे प्रवचन माता जी को आपने शायद देखा होगा। इलाहाबाद मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, संन्यास दिवस है, अब सन्यासी बन रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं कुछ रुकूंगा नहीं। और सुबह का टाइम और सारी रात हम प्रयोग करते रहे कि सफरे को पिछले साल ही इलाहाबाद में, और सुबह मैं निश्चय कर लिया था कि उसके बाद में मैं सीधा नहीं करूंगा, अब मैं एक दो साल और अपने ग्रंथ लिखूंगा, उसके बाद में सिद्धार्थ स्वामी जो काम है वो करूंगा। माता जी बैठी थी, नंदन सोल बैठा था और निश्चय बिल्कुल 100% यही माइंड में, बिल्कुल थिंकिंग भी यही थी। और मैंने कहा कि मैं अब आपके सामने अगले शिविर किसी शिविर में भाग नहीं लूंगा, और आप मिलेंगे तो मैं कभी मिलूंगा मगर मैं आपसे कम मिलूंगा, शिविरों में भाग नहीं लूंगा, मैं शिविरों में आऊंगा। और आप विश्वास है अगर आप में से आधे से ज्यादा लोग वहां होंगे, गारंटी के साथ होंगे, और तो मैं पुरुष अपने कपड़े फाड़ दिए, बिल्कुल नंगे दिखाई दे रहे थे, आप वीडियो कैमरा देखिए, और तो कोई यह अवस्था है कि हम क्या फाड़ रहे हैं, कहाँ खड़ी है, क्या दिख रहा है, पुरुषों को मालूम है कपड़ा फोड़ देते हो, इनको कहीं जाने की तुम्हारी गारंटी है, मेरी गारंटी है। अच्छा भारतीय पति वो होता है जो चुपचाप हाँ हूं करता रहे, कुछ करेंगे। चलो भाई और कुछ नहीं, अगली बार 21 अप्रैल को देखेंगे, अब एक साल तो गए, तो आज भी मुझे उम्मीद है, वो घर में तो बहुत बोलती हैं। चलिए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद में आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना। Thank you.
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय
Dios.